या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेणासने स्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अपने चैनल के माध्यम से आज आस्था के उस केंद्र की कहानी बता रहा हूं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, श्रद्धा और विश्वास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जी हां, स्क्रीन पर जो ये भव्य मंदिर दिख रहा है, यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित दुर्गा कुंड मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माता ने इस स्थान पर विश्राम किया और जिस स्थान पर अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया वहां एक जलकुंड का निर्माण हुआ। उसी जलकुंड को दुर्गा कुंड जलाशय के नाम से जानते हैं जो आज भी है। यह देवी के उन सिद्ध पीठों में से है जहां साक्षात उनका अवतार हुआ और इस मंदिर में मां दुर्गा के यंत्र रूप का पूजा किया जाता है जो विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण के पीछे ये कथा है कि इस मंदिर को सबसे पहले काशी नरेश सुबाहु के द्वारा बनवाया गया। तब जब काशी नरेश सुबाहु ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया, देश दुनिया के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया, लेकिन उनकी पुत्री को रात में सपना आता है और माता दुर्गा के द्वारा उन्हें अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन के साथ विवाह करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्वप्न जब काशी राजकुमारी अपने पिता सुबाहु को बताया तो सुबाहु उनके इस निर्णय से बहुत खुश हुए और स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजाओं से भी इस कथा को बताया और अपना फरमान सुनाया, आदेश सुनाया कि मैं राजकुमारी का विवाह अब इच्छुआकु राजकुमार अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन के साथ करना चाहता हूं। सुदर्शन जो कि प्रयागराज में स्थित भारद्वाज मुनि के आश्रम पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, उनके शिष्य थे। राजा के इस निर्णय से दूसरे राजकुमार बहुत क्रोधित हुए, अपना अपमान समझा और अयोध्या नरेश सुदर्शन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। कहा जाता है कि सुदर्शन अपनी होने वाली पत्नी के साथ मां दुर्गा का आराधना किया और जिस स्थान पर आज दुर्गा कुंड मंदिर है उसी स्थान पर सुदर्शन और स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बीच युद्ध हुआ। मां दुर्गा साक्षात रूप धारण करके सुदर्शन की तरफ से युद्ध किया और विरोधी राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। तब ये जो कुंड था रुधिर से भर गया था। माता के इच्छा अनुसार काशी राजकुमारी की शादी अयोध्या नरेश सुदर्शन के साथ संपन्न हुआ और काशी नरेश सुबाहु के द्वारा उसी दुर्गा कुंड के तट पर जो दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया गया उसे आज दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से जाना जाता है। कालांतर में भारत में जब मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ
तो दुर्गा कुंड मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ। वर्ष 1760 में दुर्गा कुंड मंदिर के वर्तमान स्वरूप को बंगाल की महारानी भवानी के द्वारा 50,000 रुपया खर्च करके बनवाया गया था। उन दिनों 50,000 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी 1760 में। और आज भी दुर्गा कुंड मंदिर का वही स्वरूप विद्यमान है। दुर्गा कुंड मंदिर का निर्माण नागर शैली में लाल पत्थरों से कराया गया। इस मंदिर की नींव बीसा यंत्र पर अर्थात 20 कोण वाले यंत्र पर रखी गई थी। इस मंदिर में नवरात्र में भीड़ तो होती ही है, लेकिन नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा के रूप का विशेष पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। इस मंदिर में मां के मुखौटा और चरण पादुका का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसकी पूजा की जाती है। दुर्गा कुंड मंदिर में जाने का अवसर मुझको भी प्राप्त हुआ। मैं भले ही इस समय बनारस में नहीं हूं, काशी में नहीं हूं, लेकिन मेरा मन अभी भी काशी में रहता है। काशी के बारे में कहा गया कि काशी वो जगह है जिसका इतिहास इतिहास से भी पुराना है, जहां मंदिर और घाट तथा माता गंगा का किनारा है। इस मंदिर का ये वो रूप दिख रहा है आपको, जब कोरोना काल में सभी लोगों की जिंदगी घरों में सिमट गई थी और तब शहरें बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गई थी। दुर्गा कुंड मंदिर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जाता रहा है दुर्गा कुंड मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में वैसे तो मां दुर्गा के अलावा दूसरे देवताओं का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के एक पुजारी का भी मंदिर है जिसे कुक्कुटेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुक्कुटेश्वरनाथ मंदिर। उसके पीछे कहानी यह है कि जब कुछ अराजक लोग जो माता के भक्त भी थे माता की दरबार में आकर के और निवेदन किया कि उनका अमुक काम पूरा हो जाएगा, तो मंदिर में सबसे पहले वो जिसको देखेंगे वो माता के चरणों में उसका बलि चढ़ा देंगे। उन अराजक तत्वों का डाकुओं का जब मनोकामना पूर्ण हो गई तो मंदिर में जब आए सुबह में तो मंदिर के पुजारी पूजा कर रहे थे। मंदिर के पुजारी से उन लोगों ने अपनी बात बताई। मंदिर के पुजारी उनसे निवेदन किया कि अभी मुझको माँ की पूजा करनी है, पूजा कर लेने दीजिए, उसके बाद मेरा बलि दे दीजिएगा। ये तो सौभाग्य की बात है कि माँ के चरणों में मेरा बलि दी जाएगी। कहा जाता है कि उन लोगों ने ऐसा ही जब किया तो माँ साक्षात प्रकट हुई और उस पुजारी को न सिर्फ जीवन दान दिया बल्कि वरदान जब मांगने को कहा तो मंदिर की पुजारी ने कहा कि माता बस अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, इससे बड़ी और उपलब्धि मेरे लिए क्या हो सकती है। मां ने उनको आशीर्वाद दिया कि मेरा दर्शन करने के बाद जब तक आपका कोई दर्शन नहीं करेगा उसको मेरे दर्शन करने का कोई पुण्य नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आज भी इस मंदिर में उस पुजारी का जो मंदिर है अलग से उसे कुक्कुटेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
ये थी आज की मेरी कहानी। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पहली बार इस चैनल को आप सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता रानी।